हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी मेमोरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 50 to 70 के दशक की बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी की फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवी दी हैं। इनकी टॉप मूवीज़ में CID, प्यासा मूवी और 14वीं का चांद जो सुपरहिट मूवी रही, राम और श्याम ब्लॉकबस्टर मूवी रही, गाइड इनकी सुपरहिट मूवी रही। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 3 फरवरी 1938 को चंगलपट्टू मद्रास में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान जबकि इनकी माता का नाम मुमताज बेगम है। इनकी सबसे पहली मूवी आई थी सन 1956 में जिसका नाम था CID। इसको प्रमोद चक्रवर्ती जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें देवानंद, शशिकला, वहीदा रहमान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली मूवी आई थी 1957 में प्यासा। इस मूवी में गुरदत्त माला सिन्हा, वहीदा रहमान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी 1958 में आई थी 12 O'Clock। इसमें गुरदत्त और वहीदा रहमान लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1958 में आई थी 16 Saal। इस मूवी में वहीदा रहमान देवानंद थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी 1959 में आई थी कागज़ के फूल। इस मूवी में वहीदा रहमान और गुरदत्त देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप रही। अगली मूवी 1960 में आई थी काला बाजार। इस मूवी में वहीदा रहमान देवानंद नंदा लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी एक फूल चार कांटे। इसको भप्पी सोनी ने डायरेक्ट किया था। इसमें वहीदा रहमान, सुनील दत्त, जॉनी वॉकर थे। ये मूवी भी सुपरहिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी 14वीं का चांद। इस मूवी को एम सादिक जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें गुरुदत्त, वहीदा रहमान लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी गर्लफ्रेंड। इस मूवी में वहीदा रहमान, किशोर कुमार देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1961 में आई थी जिसका नाम था रूप की रानी चोरों का राजा। इस मूवी में देवानंद और वहीदा रहमान देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1962 में आई थी जिसका नाम था साहब, बीवी और गुलाम। इस मूवी में गुरुदत्त, वहीदा रहमान, मीना कुमारी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी 20 Saal Baad। इस मूवी में विश्वजीत, वहीदा रहमान, मदनपुरी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी बात एक रात की। इस मूवी में वहीदा रहमान, देवानंद, जॉनी वॉकर थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी राखी। इस मूवी में वहीदा रहमान, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1963 में आई थी मुझे जीने दो। इस मूवी में सुनील दत्त, वहीदा रहमान और निरूपा राय देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में कौन अपना कौन पर आया। इस मूवी में वहीदा रहमान, विजय कुमार, जॉनी वॉकर देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी एक दिल सौ अफसाने। इस मूवी में राज कपूर, वहीदा रहमान, ललिता पवार देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1964 में आई थी जिसका नाम था कोहरा। इस मूवी में वहीदा रहमान, विश्वजीत, ललिता पवार लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मजबूर। इस मूवी में वहीदा रहमान, विश्वजीत और ललिता पवार देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी शगुन। इस मूवी में वहीदा रहमान, कमलजीत, नाजिर हुसैन देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1965 में आई थी गाइड। इस मूवी को विजय आनंद जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में देवानंद, वहीदा रहमान और अनवर हुसैन देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1966 में आई थी जिसका नाम था तीसरी कसम। इस मूवी में राज कपूर, वहीदा रहमान, इफ्तिखार देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर बदकिस्मती से फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दिल दिया दर्द लिया। इस मूवी में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, प्राण और श्यामा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1967 में जिसका नाम था पत्थर के सनम। इस मूवी को राज नवाथे ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में मनोज कुमार, वहीदा रहमान, मुमताज, ललिता पवार और प्राण थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई।
अगली मूवी इसी साल में आई थी राम और श्याम। इस मूवी में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, लक्ष्मी छाया और प्राण देखने को मिले। इस मूवी में दिलीप कुमार का डबल रोल था। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। अगली मूवी में आई थी इसी साल में पालकी। इस मूवी में राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, नाजिर हुसैन थे। ये मूवी बदकिस्मती से फ्लॉप रही। अगली मूवी 1968 में आई थी जिसका नाम था नील कमल। इस मूवी में राजकुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, ललिता पवार, बलराज सहनी महमूद थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसमें पुनर्जन्म की कहानी दिखाया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी आदमी। इस मूवी में वहीदा रहमान, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, सिमी ग्रेवाल थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी बाजी। इस मूवी में वहीदा रहमान, धर्मेंद्र, हेलन, जॉनी वॉकर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1969 में आई थी जिसका नाम था खामोशी। इस मूवी में वहीदा रहमान, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी शतरंज। इस मूवी में वहीदा रहमान, राजेंद्र कुमार, मदनपुरी महमूद और हेलन देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था मेरी भाभी। इस मूवी में सुनील दत्त, वहीदा रहमान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1970 में आई थी प्रेम पुजारी। इस मूवी में देवानंद, वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मन की आंखें। इस मूवी में वहीदा रहमान, धर्मेंद्र, ललिता पवार देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी धरती। इस मूवी में वहीदा रहमान, राजेंद्र कुमार थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी दर्पण। इस मूवी में सुनील दत्त और वहीदा रहमान लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1971 में आई थी मन मंदिर। इस मूवी में वहीदा रहमान, राकेश रोशन, संजीव कुमार, महमूद लीड रोल में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी रेशमा और शेरा। इस मूवी में वहीदा रहमान, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद खन्ना देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1972 में आई थी जिंदगी जिंदगी। इस मूवी में सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अशोक कुमार थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में त्रिसंध्या। इस मूवी में वहीदा रहमान, भास्कर, उन्नी देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1967 में आई थी घर का चिराग। इस मूवी में विश्वजीत, वहीदा रहमान, बलराज सहनी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1972 में सुबह शाम। इस मूवी में वहीदा रहमान, संजीव कुमार थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में दिल का राजा। इस मूवी में राजकुमार, वहीदा रहमान, लीना चंद्रावरकर थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1973 में आई थी फागुन। इस मूवी में धर्मेंद्र, वहीदा रहमान, जया भादुड़ी देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी इंसाफ। इस मूवी में वहीदा रहमान, विजय अरोड़ा, तनुजा देखने को मिले। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1976 में अदालत। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, नीतू सिंह, कादर खान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी कभी कभी। इस मूवी को यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वहीदा रहमान, राखी, नीतू सिंह थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1978 में इसमें त्रिशूल। इस मूवी अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा, राखी, हेमा थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर है। इसमें स्पेशल अपीयरेंस था वहीदा रहमान का। अगली मूवी आई थी 1969 में आज की राधा। 1979 में आज की राधा। इसमें वहीदा रहमान, महेश चंद्रू थे। मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1980 में आई थी ज्योति बने ज्वाला। इस मूवी में जितेंद्र, विनोद मेहरा, वहीदा रहमान, सारिका, संजीव कुमार थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1980 में ज्वालामुखी। इस मूवी में वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, अमजद खान थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1982 में आई थी सवाल। इस मूवी में वहीदा रहमान, शशि कपूर, संजीव कुमार, पूनम थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1982 में नमक हलाल। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वहीदा रहमान, स्मिता पाटिल, परवीन बाबी, रंजीत थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर। इस मूवी में 6 करोड़ की कमाई की दोस्तों। अगली मूवी आई थी 1982 में नमकीन। इस मूवी में वहीदा रहमान, संजीव कुमार, शबाना आजमी, शर्मिला टैगोर थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में धर्म कांटा। इस मूवी में राजकुमार, वहीदा रहमान, जितेंद्र, राजेश खन्ना, निरूपा राय थे, रानी रीना राय थी। ये मूवी हिट रही।
अगली मूवी आई थी 1983 हिम्मत वाला। इस मूवी में जितेंद्र श्रीदेवी वहीदा रहमान शक्ति कपूर थे। ये मूवी सुपरहिट रही। अगली मूवी 1983 में आई थी महान। इस मूवी में अमिताभ बच्चन वहीदा रहमान परवीन बाबी जीना तमान थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1983 में कुली। इस मूवी में अमिताभ बच्चन रति अग्निहोत्री वहीदा रहमान ऋषि कपूर कादर खान सुरेश ओबराय थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी ने 9 करोड़ की कमाई की। अगली मूवी आई थी 1983 में प्यासी आंखें। इस मूवी में वहीदा रहमान अमोल पालिकर शबान आजमी थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में घुंघरू। इस मूवी में शशि कपूर स्मिता पाटिल वहीदा रहमान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1984 में सनी। इस मूवी में वहीदा रहमान धर्मेंद्र सनी देओल अमृता सिंह शर्मिला टैगोर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1984 में ही मकसद। इस मूवी में जितेंद्र जयाप्रदा राजेश खन्ना श्रीदेवी वहीदा रहमान शत्रुघ्न सिन्हा प्रेम चोपड़ा थी। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1984 में ही मशाल। इस मूवी में दिलीप कुमार वहीदा रहमान अनिल कपूर रति अग्निहोत्री थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1985 में बाएं हाथ का खेल। इस मूवी में राजेश खन्ना टीना मुनीम वहीदा रहमान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1986 में सिंहासन। इस मूवी में वहीदा रहमान जितेंद्र जयाप्रदा मंदाकिनी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में अल्लाह रखा। इस मूवी में वहीदा रहमान जैकी श्रॉफ मीनाक्षी शेषाद्री डिंपल कपाडिया थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1989 में आई थी चांदनी। इसको यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर श्रीदेवी विनोद खन्ना वहीदा रहमान थे। ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1991 में लम्हे। इस मूवी में अनिल कपूर श्रीदेवी अनुपम खेर लीड रोल में थे। वहीदा रहमान सपोर्टिंग रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1994 में जिसका नाम था उल्फत की नई मंजिलें। इसमें राजकुमार वहीदा रहमान साधना ली डोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 2002 में ओम जय जगदीश। इसमें वहीदा रहमान अनिल कपूर अभिषेक बच्चन फरदीन खान उर्मिला मातोडकर थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 2005 में आई थी वाटर। इस मूवी में जॉन अब्राहम लीजा रे लीड रोल में था। वहीदा रहमान सपोर्टिंग रोल में थी। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 2005 में आई थी मैंने गांधी को नहीं मारा। इसमें अनुपम खेर उर्मिला मातोडकर वहीदा रहमान थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 2006 में आई थी रंग दे बसंती। इस मूवी में आमिर खान सोहा अली और वहीदा रहमान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। अगली मूवी 2009 में आई थी दहली सिक्स। इसमें अमिताभ बच्चन सोनम कपूर लीड रोल में थे। वहीदा रहमान सपोर्टिंग रोल में थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी 2013 में थी लव इन बॉम्बे। इसमें जॉय मुखर्जी वहीदा रहमान अशोक कुमार देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2018 में विश्वरूपम 2। इसमें कमल हासन वहीदा रहमान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी 2017 में आई थी जिसका नाम था द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। इसमें इरफान खान वहीदा रहमान देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी 2021 में आई थी स्कैटर गर्ल। इसमें अमृता मंगेरिया जीनाथन थे और वहीदा रहमान थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो दोस्तों यही था इनका फिल्मी एनालिसिस, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस में। आपको कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में दिखाएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग फ्रेंड्स।